नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। एएनएम कार्यकर्ताओं का अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज भी प्रदर्शन जारी रहा। सोनभद्र स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एएनएम कार्यकर्ताओं ने आज रविवार को भी अपना प्रदर्शन जारी रखा। एएनएम कार्यकर्ताओं ने आज जनपद के सभी का स्वास्थ्य केंद्र पर प्रदर्शन जारी रखते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरे किए जाने की मांग की। विभाग पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। यहां कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर के नारेबाजी की और सीएमओ के नाम पर संबोधित 5 सूत्रीय मांग पत्र अपर सीएमओ डॉक्टर प्रेमनाथ को सौंपा। वहीं एएनएम प्रेम शिला ने कहा कि रविवार और सार्वजनिक अवकाश पर भी कोविड और आरआई टीकाकरण में ड्यूटी लगा करके मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। लगातार कार्य करने से उनकी कार्य क्षमता में भी प्रभावित हो रही है। इसके लिए सरकार के द्वारा देय कोई भुगतान भी हमें नहीं दिया जा रहा है। एएनएम कार्यकर्ताओं ने मांग उठाया कि रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन किसी भी प्रकार का सरकारी कार्य न कराया जाए। यदि रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन कार्य कराया जाता है तो प्रतिकर अवकाश दिया जाए। कोविड टीकाकरण में एवीडी का पैसा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, जिसका जल्द भुगतान कराया जाए। कोविड-19 वैक्सीनेशन शासन के द्वारा स्वीकृत कोई भी भुगतान नहीं हुआ है। सरकार से जारी दीपावली का बोनस भी दिलाया जाए। कहा कि पीबीआई का कोई भी पैसा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इस संबंध में समुचित निर्णय एवं समुचित कार्यवाही करें ताकि महिला कर्मचारी एएनएम का उत्पीड़न न हो और राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न न हो सके। चेताया कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे सभी अवकाश पर चली जाएंगी। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। प्रेमशीला एएनएम उपकेंद्र करकी पे पोस्टेड हैं। आप लोग धरने में बैठे हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि जैसे हम लोग रविवार को लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, जब से कोविड वैक्सीनेशन है जनवरी से शुरू किया है और इधर 1-2 महीने से एकदम लगातार ड्यूटी हो रही है। सार्वजनिक अवकाश भी नहीं दिया जा रहा है और न ही कोविड वैक्सीनेशन का जो भुगतान क्लेम है हम लोग का वो भुगतान कराया गया है। एवीडी का पैसा भी नहीं गया है। आरआई का भी जो एवीडी का पैसा होता है वो भी नहीं गया है। और कोविड वैक्सीनेशन में हमारा जो भी क्लेम बनता है एक भी जनवरी से अब तक का कोई पेमेंट नहीं गया है। और आरआई और कोविड बुधवार शनिवार को आरआई के लिए हम लोग पूरा नियोजित सत्र होता है तो उसमें कोविड भी साथ में करा जाता है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अगर उसमें जैसे कोई लापरवाही हम लोग की वजह से हो जाती है। जैसे 2 वैक्सीन एक साथ लगाया जा रहा है तो कोई दुर्घटना हो सकती है ना, तो उसके लिए तो एएनएम जिम्मेदार सीधे कर दी जाएंगी। इसके लिए सीएमओ को एप्लीकेशन आप लोगों ने दिया है? सीएमओ को ज्ञापन दे दिया गया है। तो क्या कार्रवाई होती है? कोई सुनवाई नहीं अभी तक हुई है हमारे लिए, और जब तक अगर सुनवाई नहीं होगी तब तक हम लोग कार्य नहीं करेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे पूरी तरह से। कोविड